नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां जानकारी के अनुसार जिले के अंदर आरटीओ विभाग अब सतर्कता पूर्वक कार्यवाही करता नजर आ रहा है। आरटीओ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग शुक्ला के द्वारा ये बताया गया कि शहर में काफी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बिना नंबर के वाहन, ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल काफी संख्या में संचालित किए जा रहे हैं, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं में वाहनों के नंबर प्राप्त नहीं हो पाते हैं और व्यक्ति की क्षति भी हो जाती है। ऐसी संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से परिवहन के नियमों का पालन करना भी हर व्यक्ति का उद्देश्य है, जिसमें आज यातायात पुलिस के साथ आरटीओ विभाग के द्वारा चेकिंग पॉइंट प्रथम सुबह शहर कोतवाली के सामने इंदिरा गांधी चौक चौराहे पर लगाया गया। दूसरा पॉइंट अटेर रोड शाम मुड़िया खैरा चौराहे पर लगाया गया है, जिसमें बिना नंबर की मोटरसाइकिल और बिना वाहन, ट्रैक्टर रेत से भरे, मिट्टी से भरे, गिट्टी से भरे आदि वाहनों की चेकिंग कर चालानी कार्यवाही की गई है। वहीं करीब 50 से अधिक चालान काट कर लोगों को समझाइश दी गई है कि वाहनों पर नंबर अंकित कराएं, मोटरसाइकिल पर तीन सवारी ना चलें, कृषि कार्य के लिए खरीदा गया वाहन पर भाड़ा ले जाने का कार्य ना करें, अन्यथा चेकिंग पॉइंट पर पकड़े जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। चेकिंग पॉइंट पर उपस्थित रहे आरटीओ विभाग के अधिकारी अनुराग शुक्ला, यातायात से एसआई गौरी शंकर यादव, आर इंद्रपाल सिंह, आर राजकुमार गुज्जर, आर फिरोज खान एवं नगर रक्षा समिति के युवा भी सहयोग करते नजर आए। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। हमने कलेक्टर सर के निर्देशन पर एवं मार्गदर्शन पर बिना नंबर प्लेट के जो वाहन चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की है। अभी तक हमने 40 ट्रैक्टरों पर हमने चालान किए हैं, एवं 5 डंपरों पर हमने चालान किए और नंबर प्लेट लिखवाए गए उन पर। अच्छा, ये चेकिंग अभियान जो आपने चला रहे हो, ये सीधे यहीं चला के भिंड में अन्य जगहों पर चलाया जा रहा है? अभी तक हमने इंदिरा गांधी चौराहे पे कार्रवाई की थी, इसके बाद हम अटेर रोड पे आए हैं कार्रवाई करने। अच्छा, ये दूसरी कार्रवाई चल रही है? ये दूसरी कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई हम नियमित अंतराल पर आगे भी जारी रखेंगे।